स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बोनस मार्क्स के ऊपर। ठीक है, शिफ्ट वाइज कितने बोनस मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि दो भी मार्क्स अगर आपके बढ़ गए तो आपकी रैंक बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, आपको एक लो लेवल में से हाई लेवल कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो बोनस मार्क्स का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ही 1000 लाइक्स इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, तुरंत मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसका डेटा आ चुका है। ठीक है, सिर्फ वीडियो बनाना बचा है, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होता है, तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और बच्चा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि महाराष्ट्र के जितने भी इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कॉलेजेस हैं, हर एक कॉलेज को कवर करने वाला हूं। ठीक है, हर एक कॉलेज के हम प्लेसमेंट, फैकल्टीज, मेंस, कैंपस, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, तो प्लीज इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस शिफ्ट वाइज टॉपर। ठीक है, शिफ्ट वाइज टॉपर से आपको क्या पता लगेगा, बेसिक चीज आपको पता लगेगी कि कौन सी शिफ्ट का टॉपर कितना निकला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डिफिकल्टी लेवल पता लगती है। सपोज किसी शिफ्ट का टॉपर 180 से ज्यादा निकला है, तो मतलब वो शिफ्ट आसान थी। ठीक है, तो हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये सारा डेटा एक रेपुटेड साइट से उठाया गया है, और ये जो साइट से डेटा उठाया गया है हर साल एक्यूरेट मैच होता है। ठीक है, तो आपको 100% आप रिलाई कर सकते हो, इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। ठीक है, तो क्यों जानना है मार्क्स वर्सेस शिफ्ट वाइज टॉपर वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, तो बेसिक रीजन आपको पता लग गया कि हम शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल को नाप सकते हैं। ठीक है, अगर शिफ्ट का टॉपर ज्यादा रहा मतलब वो शिफ्ट आपके आसान थी, अगर शिफ्ट का टॉपर कम रहा तो वो शिफ्ट आपकी डिफिकल्टी, ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि शिफ्ट के टॉपर के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटाइल डिसाइड होती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलो शिफ्ट वाइज टॉपर जानने के पीछे का एक रीजन, ये जो लॉजिक है वो यहां पे देख लो। अगर शिफ्ट वाइज टॉपर आपका अबव 180 आता है, जो अभी मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं, अगर अबव 180 आता है तो वो शिफ्ट आपकी आसान शिफ्ट कंसीडर होगी बेटा। क्लियर बात है, अगर शिफ्ट वाइज टॉपर आपका बिलो 165 आता है, मतलब 165 से कम मार्क्स अगर आते हैं, तो वो शिफ्ट आपकी डिफिकल्ट होगी। आई होप आपको समझ रही होगी चीजें। अगर शिफ्ट वाइज टॉपर आपका इन बिटवीन 165 टू 180 आता है, तो शिफ्ट आपकी मीडियम थी। क्लियर बात है, इतना दिमाग में समझ गया, आपको आधा वीडियो समझ गया। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने जो डेटा प्रोड्यूस किया है वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, मीडियम शिफ्ट में अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो सपोज आपके 95% बन रहे, 90 मार्क्स पे 95% बन रहे, सपोज मान लो शिफ्ट कौन सी आपकी मीडियम शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट आपकी शिफ्ट कैसे पता लगेगी मीडियम है डिफिकल्ट है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अगर आपकी शिफ्ट में मीडियम शिफ्ट है, सपोज 90 मार्क्स पे आपके 95% बन रहे, ठीक है, तो उसी जगह डिफिकल्ट शिफ्ट में आपके 90 मार्क्स पे कितने बन जाएंगे, 96। उसी जगह इजी शिफ्ट में आपके 90 मार्क्स पे कितने बनेंगे, 94 ही बनेंगे। तो यहां पे लकी कौन ठहरा, लकी ठहरा आपका डिफिकल्ट शिफ्ट वाला। ठीक है, अगर वो पढ़ने वाला है बच्चा है तो ही। ठीक है, क्लियर बात है। अभी हम जानते हैं शिफ्ट वाइज आपकी टॉपर को कितना था और आपकी शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल कितनी थी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अभी तक सिर्फ आपका 50% काम हुआ है बेटा, अभी आपका पेपर देना, एग्जाम के रिजल्ट के लिए वेट करना, आंसर किट की के लिए वेट करना, ये आपका 50% काम होता है। 50% काम अभी भी बाकी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आती है कॉलेज लिस्ट बनाना। ठीक है, कॉलेज लिस्ट से आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आपके कम परसेंटेज भी है तो भी। ठीक है, कम परसेंटेज है तो भी, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक ही चीज अच्छे से कि बेस्ट काउंसलर्स द्वारा कॉलेज लिस्ट बना के लिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग की लिंक डाल दिए। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत ज्यादा परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे, एक ही चीज गलत कर दी, कॉलेज लिस्ट गलत बनाए। ठीक है, तो कॉलेज लिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस प्रोसेस के बाद। ठीक है, कॉलेज लिस्ट आपकी बनती है आपके परसेंटाइल, रैंक, आपकी कैटेगरी, यूनिवर्सिटी रैंक, आपकी स्टेट रैंक, सारी चीजों को देख के जाता है। आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, एनटी से हो, जनरल से हो, सारी चीजों को देखा जाता है। आपको कौन सी ब्रांच में एडमिशन चाहिए, कौन सी सिटी में चाहिए, सारा डेटा काउंसलर्स आपको पूछेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज लिस्ट बनेगी। तो आपको कॉलेज लिस्ट जरूर बना लेनी है, महाराष्ट्र के बेस्ट काउंसलर्स यहाँ पे हायर करके रखे हैं मैंने। ठीक है, तो उनसे आपको कॉलेज लिस्ट बना के लेनी है, कुछ भी डाउट है काउंसलर से पूछो। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपके कम परसेंटाइल भी रहे फिर भी हम ट्राई करेंगे एक बेस्ट कॉलेज के लिए। ठीक है, टारगेट है हर बच्चा बेस्ट कॉलेज में जाएगा, ये हमारे टारगेट कॉलेजेस है, सीओपी, पीजीटी, वालचे, पीएचटी, वीआईटी के, जैसे मैं थोड़ा बहुत डीजे सांग भी, वीआईटी, एमआईटी, ये सारे अपने टारगेट कॉलेजेस होते हैं। हर साल न्यूट्रल एडुकेटर्स के बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चे इन सब कॉलेजेस में जाते हैं, एक ही चीज बेस्ट करते हैं वो है कॉलेज लिस्ट। ठीक है, जिंदगी का सवाल है, एक भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, काउंसलर से पूछना हर एक डॉक्यूमेंट के लिए, आपके लिए वो अवेलेबल है। क्लियर बात है,
चलो पीसीएम की अगर बात करूं मैं, ठीक है, पीसीएम की शिफ्ट की बात करते हैं। अगर सेकंड मई की बात करूं तो सबसे जो डिफिकल्ट शिफ्ट थी वो 185 हम डिफिकल्ट मानेंगे या आसान मानेंगे अभी आप बताओगे आप मुझे। 185 इज अ इजी शिफ्ट क्योंकि हमने क्राइटेरिया में क्या रखा है, 180 के आगे जो भी जाएंगे वो आपकी इजी शिफ्ट में आएंगे, 165 टू 180 के बीच में मीडियम शिफ्ट, और बिलो 165 के स्कोर जो रहा, 165 के बिलो जो स्कोर रहा वो आपका डिफिकल्ट शिफ्ट में कंसिडर होगा। क्लियर बात है? तो अगर 185 मतलब आपकी शिफ्ट कैसी थी, इजी थी। 183 मतलब शिफ्ट कैसी थी, इजी थी। 171 मतलब शिफ्ट कैसी थी आपकी, बताओ, मीडियम शिफ्ट थी। 176 मतलब मीडियम शिफ्ट थी। आपको ये सारा डेटा देखना है, सेकंड मई थर्ड मई का मैंने बता दिया, फोर्थ मई का बात करो तो 162 आपका डिफिकल्ट शिफ्ट में आएगा। ये अगर आपका डिफिकल्ट शिफ्ट है तो आपके कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल बनेंगे, कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेंगे वो भी बताने वाला हूं, ठीक है। 189 है तो आपकी शिफ्ट आसान थी। 9th मई की बात करो तो 166, सेकंड शिफ्ट की बात करो तो 172, 10th मई की बात करो तो 177, सेकंड शिफ्ट की बात करो तो 158, उसके बाद 11th मई की बात करो तो 161, देन 165, 15 मई की बात करो तो 190, 179, 16 मई की बात करो तो 170, 153, 17 मई की बात करो तो 188, 161। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। पीसीएम के अभी हमने कवर कर लिए, अभी हम कवर करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। उससे पहले पीसीबी के भी जान लेते, पीसीबी का हमें एक्चुअल डेटा नहीं मिला यार, मुझे कुछ भी आपको डेटा नहीं बताना, एक्चुअल टॉपर का डेटा मुझे नहीं मिला, कोई भी साइट पे नहीं मिला, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, जैसे आ जाएगा मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने डिफिकल्टी लेवल आपको लिख के रखी, ये बहुत सारी साइट्स पे अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। 22 अप्रैल इजी मीडियम, 23 अप्रैल मीडियम इजी, 24 अप्रैल डिफिकल्ट मीडियम, 28 अप्रैल इजी मीडियम, 27 अप्रैल का डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। 29 अप्रैल इजी डिफिकल्ट, 30 अप्रैल इजी इजी। मार्क्स वर्सेस परसेंटेज जानते, ये थोड़े चेंजेस है, ठीक है। अगर 160 प्लस मार्क्स आते हैं आपके तो 99.50 प्लस परसेंटाइल आपके यहाँ पे बनने वाले हैं, 150 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपके 99 प्लस परसेंटाइल यहाँ पे बनने वाले हैं, 130 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपके यहाँ पे 98 प्लस परसेंटाइल बनने वाले हैं, 110 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपके यहाँ पे 96 प्लस परसेंटाइल बनने वाले हैं, विच इज वेरी गुड परसेंटाइल, नॉट बैड परसेंटाइल, वी कैन डेफिनेटली टारगेट फॉर बेस्ट कॉलेज, ठीक है। 100 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आपके 95 प्लस परसेंटाइल बनेंगे, 90 प्लस मार्क्स बन रहे तो 92 प्लस परसेंटाइल बनेंगे, 185 प्लस मार्क्स बन रहे तो 90 प्लस परसेंटाइल बनेंगे, 70 प्लस मार्क्स बन रहे तो आपके 85 प्लस परसेंटाइल बनेंगे, 60 प्लस मार्क्स बन रहे तो आपके 80 प्लस परसेंटाइल बनेंगे, 50 प्लस मार्क्स बन रहे तो आपके 75 प्लस परसेंटाइल बनेंगे, 40 प्लस मार्क्स आ रहे तो आपके 60 प्लस परसेंटाइल बनेंगे। 40 के नीचे मेरा कोई भी बच्चा नहीं रहेगा इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, 40 या 90 के नीचे कोई नहीं रहेंगे इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। 2 साल आपके लिए डेडिकेट किया और कोई बात नहीं, 40 आ रहे ना फिर भी बेस्ट कॉलेज में पहुंचा के रहूंगा इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। बेस्ट काउंसलर हायर किए, बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाऊंगा आपके लिए, वो जो कॉलेज लिस्ट रहेगी उसका कंपैरिजन महाराष्ट्र में कोई नहीं कर सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। आपका पूरा डेटा एनालिसिस किया जाएगा, एक एक बच्चे की लिस्ट को 10-10 दिन लग जाते हैं पूरा डेटा एनालिसिस करते, ठीक है। लिमिटेड सीट लेता है, ऐसा कुछ नहीं कि जो भी आए ले लेना, ऐसा नहीं है, लिमिटेड सीट, लिमिटेड वो जो फोकस रहता है, जो टारगेट है हमारा सबसे ज्यादा बच्चे भेजने का, वो इस साल रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। जो कैटेगरी से बच्चे, एक चीज याद रखना, डोमिसाइल, नेशनलिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, अभी से निकाल के रखना, बाद में रोना मत, बाद में बोलना मत कि बस सर आपने बताया नहीं, 4 बार बोल चुका हूं सेम चीज, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं रहे आपको कास्ट का फायदा नहीं हो सकता, जनरल में गिने जाओगे, ठीक है। तब रोना मत कि हम जनरल में क्यों गिने गए, ठीक है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी इनकम कम है, मैं मानता हूं आपको मिलना चाहिए फायदा, लेकिन आप अगर डॉक्यूमेंट नहीं निकाल रहे हो तो वहां पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, वहां पे मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता उस समय पे, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम देखे बच्चे रोते हैं एट द मोमेंट, पेरेंट्स रोते हैं कॉल पे जब मैं बात करता हूँ पेरेंट्स से, ठीक है। काउंसलर मुझे बताते हैं कि इनका सीरियस प्रॉब्लम है, तो मैं जब बात करता हूँ पेरेंट्स से तो पेरेंट्स रोते हैं कि हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है कैटेगरी से। तो आपको कैसे मिलेगा अगर आप कैटेगरी के सर्टिफिकेट नहीं ला रहे तो कैसे मिलेगा, ठीक है। इस बात को मैं बहुत एग्रेसिवली बता रहा हूं क्योंकि हर साल का है यार, अगर आप कैटेगरी से हो तो ये 4 सर्टिफिकेट अभी के अभी निकलवा लेना, प्लस इनकम सर्टिफिकेट भी इसमें जोड़ लेना, एटलीस्ट 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट आपको तहसील कार्यालय से मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं, हर बच्चा बेस्ट कॉलेज में जाएगा इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो मुझे सुन रहे मेरी बातें मान रहे उनको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिला के रहूंगा, क्लियर बात है, ठीक है। जल्द से जल्द काउंसलिंग के लिए एनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, मैम और मैं आपके लिए कंटिन्यूअस खड़े हैं यार, ठीक है। काउंसलर्स आपके लिए 24/7 खड़े हैं, ठीक है। अभी भी वो मतलब पूरी उनकी प्रिपरेशन चल रही है, ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं उनको, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, कुछ भी समस्या है आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच सकते हो, ठीक है, मुझसे बात कर सकते हो, कुछ भी डाउट है मुझसे मुझे बोलो कि
ये मुझसे नहीं हो रहा है, इस प्रकार की मुझे समस्या आ रही है, ठीक है, हम सॉर्ट करेंगे उन सब चीजों को। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।